अमेज़न की, क्योंकि उसने एक बार फिर से छटनी की तैयारी कर दी है। करीब 9000 कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली। अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो सकता है छटनी का यह दौर। आर्थिक अनिश्चितता को बताया जा रहा है इसके पीछे की वजह। अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी द्वारा कार्मिकों को भेजे मेमो के अनुसार कंपनी में ज्यादातर नौकरी में कटौती अमेज़न वेब सर्विसेज, पीएक्सटी एंटरटाइजिंग, एडवर्टाइजिंग और ट्विच जैसे डिपार्टमेंट्स में की जाए। अमेज़न ने 2 माह पहले भी निकाला था 18,000 कर्मचारियों को, और एक बार फिर से कर्मचारियों पर नौकरी जाने की तलवार लटकी हुई है, और इस बार यह आंकड़ा है 9,000 के आसपास। और अब जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसको सुनकर शायद आप हंसने लगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास खाने के लिए निवाला नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है कि यूक्रेन को टैंक भेजेगा। पश्चिमी देशों को खुश रखने के लिए पाकिस्तान ने पाला बदल लिया है। विदेशी कर्ज के लिए पश्चिमी देशों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। 1 साल पहले रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़ा था जो पाकिस्तान, अब यूक्रेन को युद्ध के लिए टैंक देने पर विचार कर रहा है, और इसलिए पाकिस्तान के लिए कहा जा सकता है कि इस पर भरोसा कोई नहीं कर सकता। कब किस करवट बदल जाए कोई नहीं जानता। पाकिस्तान 44 T-80UD मुख्य युद्धक टैंक यूक्रेन को भेज सकता है। ये टैंक 1980 के दशक में यूक्रेन से ही खरीदे गए थे। पाकिस्तान ने यूक्रेन से ही इन टैंक को खरीदा था। टैंक के अलावा गोला बारूद और अन्य रक्षा आपूर्ति भी यूक्रेन को दी जाएगी। वहीं भारतीय मूल के एक और अमेरिकी को मिला बड़ा पद। भारतवंशी निशा देसाई बिस्वाल बन सकती हैं DFC की डिप्टी CEO। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई नामित करने की इच्छा। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में कर चुकी हैं ये काम। दक्षिण मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं बिस्वाल। निशा देसाई बिस्वाल को है अमेरिकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में 30 साल से ज्यादा का अनुभव। विक्रमदाव का स्वागत है। मीडिया टाइकून रूपर्ट मर्डोक शादी करने वाले हैं। कमाल की बात देखिए, 92 साल की उम्र है और 5वीं बार वो दूल्हा बनने वाले हैं। 66 साल की एन लेस्ली स्मिथ से शादी करने जा रहे हैं रूपर्ट मर्डोक। लेस्ली स्मिथ की ये होगी तीसरी शादी। पिछले साल सितंबर में कैलिफोर्निया में हुई थी दोनों की मुलाकात। रूपर्ट और लेस्ली की शादी गर्मी में होने की संभावना है। पिछले साल ही अपनी चौथी पत्नी से अलग हुए थे रूपर्ट मर्डोक। मर्डोक ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा, मैं प्यार में पड़ने से डरता था, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरी आखिरी प्यार होगी, मैं खुश हूं। मीडिया टाइकून रूपर्ट मर्डोक को पहली 3 पत्नियों से 6 बच्चे। कानपुर में करौली सरकार बाबा पर FIR दर्ज हुई है। शरीर से प्रेत आत्मा निकालने के चैलेंज पर भड़के बाबा संतोष सिंह भदौरिया और उनके साथियों पर पुलिस ने दर्ज की FIR। नोएडा निवासी डॉक्टर सिद्धार्थ ने लगाए आश्रम में मारपीट के आरोप। 22 फरवरी को बताया जा रहा ये पूरा मामला। करीब 1 महीने बाद इस मामले में दर्ज हुआ मुकदमा। बाबा संतोष सिंह ने डॉक्टर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। 2 मिनट 20 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बिहार में 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए गए। 83.07% रहा परिणाम। इस साल परीक्षा में शामिल हुए थे कुल 13,04,586 परीक्षार्थी, जिनमें से 6,73,023 छात्र और 6,31,563 छात्राएं शामिल हुई। 12वीं कला संकाय का परिणाम 82.74% रहा। वाणिज्य संकाय का परिणाम 93.85% रहा। वहीं अगर बात की जाए विज्ञान संकाय की तो इसका परिणाम 83.92% रहा। अब 3 दिन में निरीक्षण, मान्यता और काउंसलिंग का कारनामा।
सामने आए वेटनरी विश्वविद्यालय बीकानेर प्रबंधन का एक और बड़ा कारनामा। उधर रामसर स्थित मुरली सिंह यादव मेमोरियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मान्यता दे दी। हवाला यह है कि राज्यपाल के प्रमुख सचिव ने 17 फरवरी को पत्र लिखा। विश्वविद्यालय प्रशासन के 3 सदस्यों की कमेटी ने तुरंत ही निरीक्षण कर दिया और कमाल के बाद देखिए 20 फरवरी को कमेटी ने संस्थान की मान्यता के लिए अनुशंसा भी कर दी। कमेटी में शामिल थे डीन एपी सिंह, निदेशक अनुसंधान हेमंत दादीश, एएचडीपी के समन्वयक एलएन साखला और इन्हीं तीनों सदस्यों की कमेटी ने पहले 8 संस्थानों का निरीक्षण किया। अनुशंसा पर तुरंत ही विश्वविद्यालय ने संस्थान को जारी कर दी मान्यता। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार निरस्त करेगी इन 9 संस्थानों की मान्यता, क्योंकि सभी संस्थानों को राज्य सरकार ने एनओसी नहीं दी। और बात करते हैं मुख्यमंत्री गहलोत के गुड गवर्नेंस की। कार्यक्रम में मंच से घोषणा और कुछ मिनटों में आदेश जारी कर दिए। आज जोधपुर के बोरानाडा में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का वाकया, मुख्यमंत्री गहलोत ने इंटरनेशनल एक्सपो में मंच से संबोधन में घोषणा की। बोरानाडा उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणा के कुछ ही मिनटों में आदेश जारी कर दिए। एक्सपो में मुख्यमंत्री गहलोत से उद्यमियों और श्रमिकों ने मांग की थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था क्रमोन्नत के आदेश आज ही जारी होंगे, आवश्यकता पड़ी तो इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बना दिया जाए। रांची को चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।